तो आज आपका है पाठ पांच, ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, और उसमें है धार्मिक आंदोलन, ठीक है, और उसमें भी हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध जी को, ठीक है। अब देखो, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है, और इनका जन्म यहीं हुआ था। हाँ, वेरी गुड, यहीं पे बगल में हमारा लुम्बिनी है, नेपाल में। किस दिन चला जाएगा घूमने, ठीक है, मौका मिलेगा तो उनका जन्म वहीं लुम्बिनी में क्या हुआ था, हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोदन था। क्या नाम था? शुद्धोदन। और ये शाक्य गणराज्य के राजा, मतलब एक राजा थे, मतलब समझो वहां पे, ठीक है, क्या थे। अब जब महात्मा बुद्ध जी जब पैदा हुए, तो एक पुरोहित या कोई सन्यासी टाइप का आया इनके दरबार में, कहा, राजा जी, आपका जो बेटा है ना, बहुत टैलेंटेड है। क्या है? बहुत टैलेंटेड है, या तो ये सन्यासी बनेगा, या तो ये सन्यासी बनेगा, या बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। क्या बनेगा? अब तो राजा, राजा का बेटा अगर साधुवा जाए तो क्या हाल होगा? अब दो दो कंडीशन था ना, या तो राजा बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। अब राजा जी परेशान हो गए, कहीं हमारे बेटवा कहीं अगर साधुवा गया तब क्या होगा, टेंशन में आ गए। तो उन्होंने सारी व्यवस्थाएं अपने बेटे के लिए की, अच्छा महल बनाया, ठीक है, खूब सुख सुविधा का वहां पे ख्याल रखा, अच्छा अच्छा खाने पीने की रखा, कोई तकलीफ ना हो, ऐसी व्यवस्था की, ठीक है। और क्या किया, कम उम्र में ही ब्याह कर दिया, शादी कर दिया। जा शादी ब्याह हो जाएगा तो सधुआएगा नहीं, परिवार में क्या रहेगा, उलझ के ये रह जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यही सब मामला चल रहा था, तो एक दिन इनको भगवान जो बुद्ध जी हैं, ठीक है, इनका नाम सिद्धार्थ, क्या है, ये बुद्ध कैसे होंगे मैं अभी बता रहा हूं, वो कहानी में आएगा, ठीक है। तो इनको दिन मौका मिल गया, एक जब मौका मिल गया महल से निकलने का, तो अपने सारथी जो रथ है और सारथी उस साथ निकले ये सफर करने। तो रास्ते में क्या देख रहे हैं, पहले क्या देख रहे हैं, वो एक बूढ़ा आदमी, क्या है, झुर्री उड़ी पड़ी है, लटका उटका है, हाथ हाथ ऐसे 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 कांप रहा है, बूढ़ा से ना कह रहा है। इसके इनके सारथी था, नाम था इनका चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। तो कहे, चन्ना ये कौन है भाई, कौन है ये? कह रहा, मालिक बूढ़ा आदमी, बूढ़ा हो गया है, ठीक है, अपना उम्र बहुत बिता चुका है। तो कह रहा है, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा क्या, मेरे भी चेहरे पे ऐसे झुर्री उड़ी पड़ जाएगी क्या, मेरे बाल सफेद हो जाएंगे क्या? हाँ मालिक, हो तो आप भी जाएंगे, सब कोई बूढ़ा होता है। अब भगवान बुद्ध जी का हो गया टेंशन में आ गए, कभी देखे ही नहीं थे वो ये सब चीज़, वो महल में रहते थे आराम से। फिर रथ कुछ दूर आगे बढ़ा, ठीक है, तब क्या देख रहे हैं, एक बीमार आदमी रो रहा, अरे माई रे माई, हाथ दुखाता, पैर दर्द कर रहा, अरे पेट दर्द कर रहा है, अरे सर दर्द कर रहा है ना। चन्ना ये कौन है भाई? मालिक, किस कोई बीमारी इसको हुई है, तकलीफ में है, ये दर्द में है, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा क्या? हाँ मालिक, हो तो जाएंगे, मान लीजिए कोई बीमारी आपको हो गई तो तकलीफ तो आपको भी होगी। अब भगवान बुद्ध और टेंशन में और आ गए। चलिए, रथ क्या हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़ा, तब क्या देख रहा है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, मतलब कोई मरा आदमी था उसको लोग लेके जा रहे थे। चन्ना ये क्या है भाई? मालिक आपको नहीं पता? नहीं, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। अरे आदमी मर गया है, इसको लोग अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं, इसका अंतिम क्रियाकर्म कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, जो भी कर दिया जाएगा। मैं भी ऐसा हो जाऊंगा क्या, मैं भी मर जाऊंगा क्या? हाँ मालिक, मर तो जाएंगे, सब कोई मरता है। अरे हंसो मत जी, सुनो मालिक, मर तो आप भी जाएंगे, जो पैदा होता है वो क्या होता है, मरता ही मरता है, आप भी मरेंगे। अब भगवान बुद्ध क्या हो गए, और टेंशन में आ गए, ठीक है, कुछ दूर और चले, क्या हुआ है, कुछ दूर और चले, तो देख रहे हैं एक सन्यासी आराम से बैठा हुआ है शांत मुद्रा में, ऐसा नहीं चिटी नहीं, आराम से बैठा हुआ है। भगवान बुद्ध कहे, चन्ना ये कौन है भाई, कौन
कौन है ये? क्या तेज है इसके चेहरे पे, क्या सुंदरता है इसके चेहरे पे, कितना शांत मन का दिख रहा है ये। मालिक, ये सन्यासी आदमी है, देश दुनिया से इसको मतलब नहीं है, यह ज्ञान की प्राप्ति के लिए ऐसे साधना कर रहा है। अरे बहुत अच्छी बात है भाई, एक तो मैंने देखा बूढ़ा था, ऐसे से कांप रहा था, एक चिल्ला रहा था, बीमार था, एक तो मरी गया था, जा ही रहा था, ये देखो आदमी कितना अच्छे से बैठा हुआ है। मैं भी क्या करूंगा ऐसा काम करने का प्रयास। तभी से क्या हुआ, भगवान बुद्ध का क्या होगा, थोड़ा सा मन बदल गया, और चूंकि इनका शादी हो ही गया था, अब क्या हुआ, अपने बीवी को, इनका बच्चा था उसको छोड़ के क्या हो गए, संन्यास के लिए क्या हो गए, ये निकल, संन्यास के लिए निकल गए। और जब संन्यास के लिए निकल गए, ध्यान दीजिए भाई, तो संन्यास के लिए निकल गए तो गए भी साधना करने, हम भी साधना करेंगे भाई। तो जब साधना किए तो कई कई दिन भूखे रह गए, अरे पेट में इनके मरोड़ दर्द आ गया, अरे बाप रे भूखा गया है, पेट दर्द कर रहा है, भूख लगता है तो पेट दर्द होता नहीं होता है, कहीं खुले में कहीं बैठ गए, अब बारिश आया पानी आया, अरे ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, तो ये परेशान क्या हो गया, ये परेशान हो गए। इनको शारीरिक कष्ट के अलावा कुछ इनको मिला नहीं, क्या कि सब फालतू काम है यार, ये सब क्या करेंगे, कह रहे थे भूख ही लग रहा है, पेट ही दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर, इस साधना से क्या मिलने वाला है। उन्होंने फिर क्या किया, मध्यम मार्ग, क्या किया, मध्यम मार्ग समझते हैं, न बहुत कम न बहुत ज्यादा, इसका उन्होंने रास्ता चुना। मतलब खाना, मतलब कम खाओगे तो मन करेगा थोड़ा और खा लेते, और खा लेते, आज ज्यादा खा लोगे तो यहाँ तो फूल हो जाएगा, पेट लेके बैठे लोग, अरे ज्यादा खा लिए, गैस बन जाएगा, क्या हो जाएगा, आप बराबर खाओगे तो ठीक रहेगा पेट। तो इन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग अपनाते हैं, ना तो ज़्यादा कम करेंगे और ना तो बहुत ही ज़्यादा करेंगे, आराम से साधना करने का प्रयास हम करेंगे। इन्होंने क्या किया, एक पीपल के पेड़ की पेड़ के नीचे इन्होंने क्या किया, फिर साधना इन्होंने किया, क्या किया इन्होंने, साधना इन्होंने, तपस्या, तब जाके इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर ये सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध हो गए। बुद्ध का मतलब समझते हैं, जागा हुआ, क्या हुआ, जागा। मतलब कि अभी तक सो रहे थे, अभी तक सो रहे, सो रहे थे, अब जाग गए हैं, अब जाग गए हैं, अब ज्ञान की प्राप्ति उनको हो गई, प्राप्त हुई ज्ञान की। अब सुनो क्या प्राप्त हो रहा है, ज्ञान की, बैठने दो, बैठने दो, उनको समझ में आ रहा है। अब देखो ज्ञान की प्राप्ति क्या हो गई भाई, इन्होंने कहा जीवन दुखमय है, क्या है, जीवन दुखमय है, सब दुखी दुख है, क्या है, सब दुखी, चारों तरफ दुख है, लेकिन दुख तो ऐसा होगा नहीं, दुख का कारण है, क्या है, कारण है। और कारण क्या, इच्छाएं, फालतू इच्छाएं, ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, ये भी संभाल लें, वो भी संभाल लें, तो फालतू की जो इच्छाएं हैं वही दुख का कारण है। लेकिन ये तो है नहीं, दुख का कारण है तो ये दुख दूर नहीं होगा, इलाज बीमारी है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख तो है, दुख का कारण है, लेकिन दुख दूर करने का उपाय भी है, ठीक है। और उन्होंने उपाय बताया अष्टांगिक मार्ग, यानी आठ मार्ग, क्या बताया, आठ मार्ग उन्होंने बताया, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, अरे छोड़ो फालतू छोड़ो, नहीं समझ जाएगा, सही सही बोलो, सही सही व्यवहार करो, गलत तरीके से पैसा मत कमाओ, ज्ञान प्राप्त के लिए हमेशा तत्पर रहो, ये सब क्या किया, इसी तरह उन्होंने आठ क्या किए मार्ग, उन्होंने क्या किए बताए। तो क्या बताया, दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने का उपाय है, और उपाय में उन्होंने आठ मार्ग बताए, इन्हीं चारों को कहते हैं वो चार आर्य सत्य, क्या बोलते हैं, मतलब यही सत्य है, यही सत्य, बाकी सब झूठ है, यही चार चीजें क्या है, सत्य है। और इन्हीं सत्य में इन्होंने जो आखिरी वाला बताया वो अष्टांगिक मार्ग क्या के इन्होंने बताया। ये जो अष्टांगिक मार्ग है ना, देखो ये हम लोग जो परीक्षा देने जाते हैं उस परीक्षा में भी आया था, आता है, अब मैं पेपर देने गया था अभी ना, उसमें भी अष्टांगिक मार्ग आया था। अब बताओ हम लिखेंगे नहीं इसको पूरा लिख किया है, छाप किया है एकदम, तो आता है ये सब आएगा, तो परीक्षा में भी आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। आगे दुख क्या है, आप लोग के जीवन में भी है, क्या करना है भाई, पढ़ना है, लिखना है,
परीक्षा में टॉप करना है, दुख है, ठीक है। अब दुख का कारण भी है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, यहाँ घूम लें, वहाँ घूम लें, टीवी देख लें, मोबाइल चला लें, है कि नहीं। लेकिन चलो ठीक है, दुख का कारण है, लेकिन दुख दूर करने का उपाय भी है। महात्मा बुद्ध हम बताएंगे आपको आठ मार्ग। हम भी जाग गए। सुबह सुबह समय से उठना है, समय से नित्य क्रिया करना है, स्कूल आना है, यहाँ पे जो अध्यापक कहें उनकी बात माननी है, यहाँ से घर जाना है, अपने माता पिता का सम्मान करना है, आदर करना है, उनकी भी बात माननी है, गाली गलौज नहीं करना है, यहाँ पे जो काम दिया जाता है उसको घर पे जाके आपको करना है, फालतू घूमना नहीं है। आठ हुआ, ज़्यादा हो गया, बारह हो गया, चलो जितना भी हुआ हो ठीक है। तो देखो ये आप करेंगे तो एक दिन आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप कहेंगे नंबर नहीं आ रहा, आएगा नंबर, आएगा। परीक्षा में टॉप नहीं कर पा रहे, करेंगे परीक्षा में टॉप करेंगे, और एक दिन सारा आपका भी दुख दर्द दूर हो जाएगा, आपको भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और आप भी बुद्ध हो जाएंगे। आप भी बुद्ध हो जाएंगे, हम भी बुद्ध हो जाएंगे। हमारे पास ज्ञान नहीं ना है, बस ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम भी बुद्ध हो जाएंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आप भी बुद्ध हो जाएंगे, और एक दिन ये पूरी दुनिया बुद्धमय हो जाएगी। तो करना है ना, ज्ञान प्राप्त करना है ना। तो आप लोगों के लिए ज्ञान क्या प्राप्त करना है भाई, ये पढ़ाई लिखाई है ना, जो काम दिया जाए, जो काम आपको समझाया जाए, ठीक है, जो जिस क्लास में आप हैं उस क्लास की जिम्मेदारियों को निभाइए, ज्ञान प्राप्त करिए और आज दिन आप सफल हो जाएंगे। समझ में आया महात्मा बुद्ध, बुझा जा आ गया ना। तो ये थे महात्मा बुद्ध। एक और हमारे बहुत अच्छे उसमें के थे, उनका है महावीर। इन्होंने महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी, और महावीर ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया था। जैन धर्म की स्थापना किसी और ने की थी, ऋषभ देव ने की थी, लेकिन महावीर ने उसको आगे बढ़ाया था। उन्होंने भी ऐसी ऐसी बातें कही, उनको हम अगले पाठ में अभी क्या करेंगे, इसको पढ़ने का काम करेंगे। तो महात्मा बुद्ध समझ में आ गया ना। Yes, चले, वेरी गुड। चले बेटा पढ़ते हैं महावीर जी को।